हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं जीएस पेपर 1 का पॉइंट नंबर 7, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं, इसका पार्ट 4 लेकर आई हूँ। पार्ट 1, 2 और 3 आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट मैंने दी है उसमें आप देख सकते हैं। ये UPPSC मेंस प्लस UPSC को साथ में लेकर चल रहा है हमारा टॉपिक। यदि आप UPPSC मेंस या फिर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है, ये जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं, ये आप लोगों को एस्से में भी काम आएगा। काफ़ी इसके जो पॉइंट्स हैं आप उसको टाइटल बना के एस्से अपना कंप्लीट कर सकते हैं और उसमें फैक्ट्स डाल सकते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक आप GS पेपर 1 और ऐसे दोनों को कंबाइन करके देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इसे अपने शब्दों में लिख सकें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसकी PDF आप लोग बार बार मांग कर रहे हैं, तो PDF के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो पार्ट्स पूरे हो जाएंगे इसके, तो मैं सारे की PDF एक साथ दे दूँगी, क्योंकि पार्ट्स में PDF देने का मतलब है कि आप बार बार उसको डाउनलोड करेंगे। तो आप एक ही पूरी PDF को एक साथ डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, तो इससे आपका काम इजी हो जाएगा। तो मैं जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं के जब सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको पूरी PDF अपने सक्सेस मंच पेज तथा टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां पर जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हम कुछ और नई सीरीज़ लाने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो वो जल्द ही, जैसे ही हमारा शेड्यूल तय हो जाएगा, मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगी। क्योंकि मेंस के साथ साथ हमें प्री भी देना है। MPPSC प्री आ रहा है, जो कि फरवरी या मार्च में होने की संभावना है। इसी तरह UPPSC जो 2019 का पेपर है, वो भी अभी नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन जून जुलाई में वो भी होगा। तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा वन लाइनर के साथ प्लस करंट अफेयर के साथ, जो कि मेंस से बिल्कुल हटके सिलेबस है। मेंस में हमें थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और जो प्री होता है उसके लिए हमें फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो सीरीज़ भी मैं आपके सामने जल्द ही लेकर आ रही हूँ, जो कि MPPSC और UPPSC प्री को फोकस करेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के पार्ट्स करते हैं। हम लोग इसमें कर रहे हैं जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं, जो कि GS पेपर 1 का पॉइंट नंबर 7 है। हम जनसंख्या नीति 2000 के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने पूरा रिविज़न आप देख लीजिए, वृद्धि के परिणाम, भारतीय जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, सुझाव, सरकारी नीतियाँ, और अब हम करेंगे जनसंख्या नीति 2000। ये जनसंख्या नीति 2000 है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पहले देख लेते हैं। भारतीय जनसंख्या नीति भारत सरकार द्वारा घोषित दूसरी जनसंख्या नीति है। ये जो सेकंड है, फर्स्ट जो जनसंख्या नीति घोषित की गई थी वो 1976 में घोषित की गई थी। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये पहली जनसंख्या नीति 1976 में बनी थी। इस नीति की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर स्वामीनाथन ने की थी, और उन्होंने वर्ष 1993 में गठित समिति की अनुशंसाओं के आधार पर ही जनसंख्या नीति 2000 का निर्माण किया था। एक समिति गठित की गई थी 1993 में, इसने जो भी अनुशंसाएं की थी उसी के आधार पर इस जनसंख्या नीति 2000 का निर्माण किया गया था, 1976 की जनसंख्या नीति से हटकर और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके। इस नीति को समुचित रूप से क्रियान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री को बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन प्री के लिए भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो गठन किसका किया गया था, जनसंख्या आयोग का गठन, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और इनके कुल सदस्य कितने नामित होते हैं, 100 सदस्य इसके नामित होते हैं। ये आपके प्री के फैक्ट्स के रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस मेंस में तो ये सब आपको लिखना ही लिखना है अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन आता है। इस नीति को, जो जनसंख्या नीति है, इसको जनसंख्या के नियंत्रण को एक विशेष कार्यक्रम के रूप से चलाने के स्थान पर समग्रवादी दृष्टिकोण से देखा गया। मतलब कि सिर्फ यही नहीं देखा गया कि हमें जनसंख्या की रोकथाम करनी है, इसके अलावा भी और परिवार का स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, नारी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा जैसे विषयों पर भी इसके अंदर समग्र रूप से ध्यान दिया गया। एक ही चीज़ पर इसमें फोकस नहीं किया गया, इसमें काफ़ी चीज़ों को फोकस एक साथ लेके चला गया इस नीति के अंतर्गत। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस नीति के उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस नीति, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि
ये जो नीति बनाई गई है जनसंख्या नीति 2000, इसके उद्देश्य क्या क्या है? तो इसके उद्देश्य तीन कैटेगरीज में डिवाइड है, अल्पावधि उद्देश्य, मध्यावधि उद्देश्य और दीर्घावधि उद्देश्य। इसके बारे में थोड़े थोड़े मैं डिटेल बता देती हूँ, बाकी नॉर्मल आपको अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। जो अल्पावधि उद्देश्य हैं उसमें बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समन्वित सेवाओं की व्यवस्था करना इसमें रखा गया है। इसके उद्देश्य मतलब कि स्वास्थ्य सुविधाएं जिसमें स्पेशली बाल स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया और समन्वित सेवाएं सबको एक साथ लेकर चलने वाली सेवाओं की व्यवस्था की गई अल्पावधि उद्देश्य के अंतर्गत। नेक्स्ट मध्यावधि उद्देश्य जो है इसमें 2010 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 के प्रतिस्थापन बिंदु तक लाना था। इसका ये उद्देश्य रखा गया 2010 तक कुल प्रजनन दर जो थी वो 2.1 मतलब कि पर पर्सन 2.1 प्रजनन दर हो जाए। तो आप मुझे ये आज के होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इस समय भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस में भी इसको आप लोग डाल सकते हैं। तो आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताइए कि इस समय 2017-18 में कुल प्रजनन दर भारत की कितनी है। नेक्स्ट दीर्घावधि जो उद्देश्य है इसका था वर्ष 2045 तक इतनी मात्रा में जनसंख्या की वृद्धि को स्थिर कर देना जिससे प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध हो सके, और बाद में इसको 2070 तक कर दिया गया। मतलब कि पहले तो इन्होंने डिसाइड किया कि 2045 तक जनसंख्या को अपनी स्थिर करना है, लेकिन जब देखा गया कि ये गोल पूरा नहीं हो सकता तो इन्होंने 2045 की जगह उसे 2070 कर दिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस मेंस में तो एज इट इज लिखना ही है आप लोगों को। तो आज हमने किया कि जो भारतीय जनसंख्या नीति 2000 थी उसकी मुख्य तथ्य क्या क्या थे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इस नीति के तीन उद्देश्य हैं जिसे अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि लक्ष्य कहा गया है। अब आगे हम जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो इसका लास्ट पार्ट होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 द्वारा 14 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिसे 2010 तक प्राप्त करना था। तो वो कौन कौन से 14 लक्ष्य थे उसके बारे में हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है उस तक आप ये वीडियो पहुँचाइए, और जल्द ही हम लोगों के लिए प्री की सिलेबस, प्री का वीडियो सीरीज लेकर आएंगे हम लोग। उसके ऊपर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बस जल्द ही आप लोगों के सामने वो वीडियोस आएंगी। प्लस मेंस तो आपके साथ चलता ही रहेगा क्योंकि मेंस भी जल्द ही होगा। रिजल्ट भी आप लोगों को बता दिया गया है कि फरवरी मार्च में रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।